बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। जबकि हमने सुना कि 29 से आप इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जा रहे हैं, क्या रीजन है? हाँ जी जनाब, ये जो हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का प्रोग्राम है, चूँकि जो ट्रेडर्स फेडरेशन पारिमपोरा है वो बिल्कुल इसके साथ, ये बरादरा तंजीम है हमारी, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा ट्रेड एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। यही वजह है कि बशीर साहब जो भी प्रोग्राम देंगे, उनका जो बरादर तंजीम है हमारी छोटी छोटे भाई के तौर पर, हम उनके शाना बशाना साथ हैं। बशीर साहब का जो भी प्रोग्राम होगा फ्रूट ग्रोवर्स के वसादत से, हम उसके प्रोग्राम के साथ हैं। और आज ही हमने सुना है कि उधमपुर में फिर भी ट्रक्स अलाउ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ट्रक्स आ रहे हैं, चाहे जिसमें वो मतलब जो भी माल होता है इसमें, चाहे वो फ्रूट हो, एसेंशियल कम्युनिटीज में कोई भी आइटम हो, वो इनको या पंथा चौक में फेंकना पड़ता है या दूसरी जगह। ये खुदा रहा बताइए, कश्मीरियों के साथ ऐसा हमने पहले भी आपके माध्यम से ये मुतलका हुकाम तक ये बात पहुंचाई कि ये जो आपने नेशनल हाईवे ब्लॉकेड किया और ऊपर से अब LOC ट्रेड भी अब बंद किया है, कश्मीरियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आपने सुना लास्ट टाइम जो जब मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले पे बोला था और कश्मीरियों को गले लगाए, क्या यही मोदी जी का प्रोग्राम है? क्या वो हमको कश्मीरियों को गले लगाते हैं कि वहां से जितनी भी गाड़ियां आती हैं, हमारे माल बलदार ट्रक्स आते हैं, चाहे वो उसमें फ्रूट हो या साग सब्जियां हो, वो हमें लदी हुई गाड़ियां 5-5 दिन उधमपुर में ये गाड़ियों को बंद करते हैं, क्यों ये कश्मीरियों के साथ सोतेला सुलू कर रहे हैं? तो कितना नुकसान होता है दिन भर आपका? दिन भर हमारी लगभग 150 ट्रकें यहाँ पे पहुँचती है। इतना ही नहीं, हमारे ट्रकें, एक तो फ्रूट मंडी, ये तो बिजनेस का बहुत बड़ा हब है यहाँ पे बाईपास साइड से पारिमपोरा फ्रूट मंडी, यहाँ पे इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पे एक तो फ्रूट ग्रोवर्स कंसर्न है, दूसरा हमारा जो यहाँ का ट्रेड है, हमारा जो टिपर्स आते हैं, ट्रक्स आते हैं, इसी रोड से आते हैं, उनका भी काम, हमारा जो ऑटोमोबाइल का काम है वो भी बैठा हुआ है, और जितना भी ट्रांसपोर्ट नगर में जितनी भी गाड़ियाँ आती है वो भी नहीं आती है। कम से कम 200-300 गाड़ियां रेगुलरली यहाँ पे आती हैं, जिनका आना अब बंद हो गया है। क्या अपील करेंगे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ये अपील करते हैं, अगर हमने हमारे जो बरादर तंजीम है फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने 29 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है आपको, अगर आप 29 तारीख तक ये मसला हमारा हल नहीं करेंगे तो हम फ्रूट मंडी से लेकर पूरा जो ये एरिया है बंद रखेंगे, और उसकी हम फाका कशी पे आएंगे, हमारे बच्चे हम सड़कों पे आएंगे, और उसकी जिम्मेदारी सारे मरकजी सरकार और रियासती सरकार जो यहाँ पे ये तानाशाही का आर्डर निकालते हैं।